आपको पता है अभी जो पोप है ना इटली का, वो उस शख्स से मुलाकात की है उसने और अप्रिशिएट किया है जो गे मैरिज का कायल है। अब पोप का उससे क्या ताल्लुक, ये तो ईसाई मजहब में भी हराम है ना, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि हम लिबरल हैं, हम ब्रॉड माइंडेड हैं। तो यार भाई अगर ऐसा ब्रॉड माइंडेड आप हमें बनाना चाहते हो तो फिर अल्लाह की पनाह, तो आप अपने हिसाब से इस्लाम को मत चलाएं, इस्लाम के हिसाब से अपने आप को ढालें या फिर इस्लाम छोड़ दें। बोले मैं मानता ही नहीं इस्लाम को, लेकिन जब छोड़ें तो फिर पूरा छोड़ें, अधूरा नहीं छोड़ें। अपने मतलब का इस्लाम लेते हैं और जो इस्लाम की बात समझ में नहीं आती उसमें नहीं मानते। या तो इस्लाम अगर ठीक है तो पूरा ठीक है, गलत है तो फिर सारा ही गलत है, पूरा छोड़ दें। फिर वसीयत करें मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। फिर मुसलमान औरत से निकाह मत करें, क्योंकि इस्लाम में मुसलमान औरत का गैर मुस्लिम से निकाह नहीं होता, फिर उसके साथ धोखा हो जाएगा ये। फिर बोले मैं किसी एथियस्ट से या किसी ईसाई से या किसी यहूदन से निकाह करूंगा, नमाज जनाजा ऐलान कर दें कि मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा नहीं होगा, किसी भी गड़े में जाके मुझे फेंक दो, चाहे हिंदुओं की तरह जला दो। क्योंकि फिर जब मजहब नहीं है तो फिर जलाना, मरना तो खत्म हो गया ना, फिर जलाना, सुरमा बनाना उसको, ठीक है ना, या कौओं को खिला देना, सब बराबर है। वो तो एक बॉडी है ना, एक बॉडी है, एक फिजिकली उसकी एक हैसियत क्या है कि यानी एक हैवान है, बस दो टांगों पे चलने वाला हैवान है। तो जैसे कुत्ते बिल्ली मरते हैं कचरे पे फेंक दो, तो मर गया तो कचरे पे फेंक दो, कौओं को खिला दो, जमीन में दफन कर दो, ये तो गुसल कफन, ये तो इस्लाम ने कहा है ना मैयत का इकराम। तो फिर इन तकल्लुफात की चंदा जरूरत नहीं, अगर इस्लाम समझ में नहीं आता तो वसीयत कर दें कि मैं चूंकि मुसलमान नहीं हूं, मुझे इस्लाम समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए मुझे कौओं को खिला दिया जाए मादरत के साथ, या किसी को, किसी के फायदा हो जाएगा ना भाई, इंसानियत को क्यों फायदा पहुंचाने, तो सब मानते हैं, या मखलूक को, तो मखलूक को फायदा पहुंचाया जाए। और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं ना, कब्र में दफन किया जाए, कहीं भी फेंक दो, चलो मिट्टी में दबा दो, जनाजा वनाजा नहीं होना चाहिए, मेरी विरासत तकसीम नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारी इस किस्म की चीजें। फिर सब के बारे में रिटर्न लिख दो जाके, हम जहां इस्लाम हमारे फायदे का होता है वहां हम मुसलमान हैं, और जहां इस्लाम हमारे नजरियात के खिलाफ जा रहा होता है वहां हम कहते हैं हमें इस्लाम समझ में नहीं आ रहा। तो भाई यह तो पूरा, अगर अल्लाह का दीन है तो फिर एक बात भी गलत नहीं हो सकती इसमें, अल्लाह ताला समझ